मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हे, अरे भाई तू इंट्रो कर देना, बैकग्राउंड में चिल्लाया जा रहा है। अबे तुम लोग को सबर नहीं है थोड़ी देर का, चलो यहाँ शोर नहीं होएगा। तो हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लैश विद झकास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो भैया मैंने दो चीज़ें टू डू लिस्ट में अपने ऐड कर दी हैं। सबसे पहले तो आज हमें और ब्लॉक्स माइन करने हैं, हमारा फेस आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है हमारे फेस को, और हमें इस टावर को थोड़ा सा बड़ा इधर से मतलब थोड़ा समझ दो यार क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कि रेनोवेट करना है, और अच्छे से भी पूरे तरीके से रेनोवेट नहीं हुआ है, ये खाली रहने लायक जगह नहीं है इसमें, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे स्टोन स्टोन लेके। तो वही सब अभी करना है हमको। जो भाई चलो भाई, अभी हमारे यहाँ पे एक दो, अरे भाई तू ही देखो पूरी वीडियो बना दे, तू ही पूरी वीडियो बना दे, नहीं बना ना भाई, बैकग्राउंड में चीखे जा रहा कर करके। और यहाँ पे हमारे तीन तीन अनटेम्ड भेड़िए हैं, और यहाँ पे हमारे पास तीन शीप्स मैंने कैप्चर करके रखी है। कौन से कलर की है भाई? कलर चेंज करती है जब थोड़ी देर लिखा हुआ है उसके ऊपर जो कलर चेंज कर रही है, वैसे माइनक्राफ्ट का होता है ये, देख रहे हो भाई कलर चेंज करने वाली शीप्स है हमारे पास, शीप है। और अभी हम लोगों को इन शीपों को यहाँ से कब गड्ढा हो गया भाई, यहाँ से कब गड्ढा हो गया? मुझे इन शीपों को बाहर के भेड़ियों से बचाना है, क्योंकि भेड़िए मेरे जो हैं वो इन सब शीप्स को मार देंगे, एक भी भेड़िया अंदर नहीं जाना चाहिए यार। और अभी मेरे को यार फेस कंटिन्यू करना है आगे भाई। यार तो ये कौन से ब्लॉक है, कोबलस्टोन है क्या? ये तो भर गया यार, ये सब कहाँ से आ रहा है भाई? वेयर द हेल यार, ये सब कहाँ से आया? पता नहीं क्या क्या चल रहा है यार, हो सकता है कोई शीप आई हो अंदर और उसको मार दिया हो हमारे भेड़ियों ने। तो अभी ये सब सामान आया है, इसको हमको अंदर डालना है, कोई भी भेड़िया यहाँ से अंदर ना खो जाओगी। और यहाँ पर सारा सामान रखना है, अभी भरा हुआ है चेस्ट। ये कौन सा है? वाइट कॉन्क्रीट है। अभी तो भाई चेस्टों की तो कमी नहीं है, भरे पड़े हैं चेस्ट लेकिन जगह नहीं है, भरा ही पड़े हैं चेस्ट कोई जगह नहीं है यार, रखने की जगह नहीं है। वही मेरे को एक्सपेंड करना है इस एरिया को पूरा दूर तक, थोड़ा दो तीन चार पांच ब्लॉक एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई क्या करने का है हमको। और अभी तो हमको यहाँ और चेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, टेम्परेरीली चेस्ट लगाने हैं यहाँ पे हमें भाई। लोग हमने ऊपर दो चेस्ट लगा दिए हैं, वहाँ से नीचे गिर गए थे, कोई नहीं इतना होता है। तो यहाँ पे हमको स्वॉर्ड रख लेते हैं, और खाने पीने की भी जगह हमको बनानी है मतलब रखना है, अंधेरा बहुत हो रहा है यार, टॉर्च लगा दो यहाँ पे, एक इधर टॉर्च। और खाने पीने का सामान है क्या? खाली थोड़ा सा सामान भाई साहब, मैंने देखा था कि मेरे पास स्लाइसेस रखी थी, अब क्या एक ही चेस्ट बार बार खोलने से सामान नहीं आ जाता उसमें भाई? लोग मैंने सोचा इन भेड़ बकरियों को बचाने से अच्छा क्यों ना हम उन लोगों को पाल ही लें। तो कहाँ है हमारे, ये रहा एक हमारा शेर बन गया, ये भी हमारा पालतू खा ले, चल ना बन तू पालतू ना बन ना, चल भाई इतने उधर भाई, गाना बहुत तेज बज रहा है यार, बहुत तेज हो गया था यार, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था ना। तो अभी एक मिनट, मेरे को लगा ये सो रही है, ये सोती भी है ना,
बैठी हुई है। ओ अच्छा, मेरे को लगा मैंने इसको खड़ा करा अभी अभी। छोड़ो गाय छोड़ो। तो अभी अपने को क्या करने का है, ब्लॉक्स माइन करने का है और अपने एरिया में थोड़े से टॉर्चे भाई गिरते भाई गिरते। तो टॉर्चेज स्प्रेड करने से पहले एक काम करना है, हमें वो कर देते हैं। अब थोड़ा ठही लग रहा है भाई, अब मतलब थोड़ा उजाला लग रहा है और ये ब्लॉक जो सही से दिख रहा है। तो अभी तो हमको तोड़ने हैं यहाँ से सारे ब्लॉक्स, हटा दे धीरे धीरे कर। अब ये क्या है, ये है क्या यार, किससे माइन करना है इसको? पिकैक्स से ही कर देते हैं। डेड ब्रेन कोरल सेल नो विच है क्या यार ये? डेड ब्रेन कोरल सेल से होता क्या है भाई लोग, डू इन द कमेंट, कमेंट में बता दो यार। डेड वो क्या रहा था, डेड कोरल ब्रेन सेल से होता क्या है? और ये क्या मिल रहा है भाई साहब, लैपिश। ओ भाई लैप प्रिज्मरीन ब्रिक्स। ओ भाई लैपिश लैपिश लजुल्ली। तो इस एरिया को तोड़ दे क्या? नहीं रहने दो, अंदर रहने दो यार, ऐसी काम कर लेते ना, क्या दिक्कत हो रही है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't. At this point, guys, मेरा माइक ऑफ था और मुझे लगा ऑन है, कोई नहीं यार। तो यहाँ पे हमको एक टर्टल मिला और हमें इस टर्टल को टेम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे पास सी ग्रास नहीं है। और मैंने सोचा इस टर्टल को क्यों ना हम पाल के रखें, मतलब कि इसके अलग एरिया बना दें। तो वही मैंने इसके लिए सोच लिया कि इसके लिए एक पूल टाइप का बनाएंगे, तो वही बनाने जा रहे हैं हम लोग। देख लो यार क्या बना रहे हैं हम लोग, पूल से वुड से पूल बना रहे हैं। वो प्लैंक पूरे यूज करें उसमें। चलो भाई देख लो। Faking now, everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. तो अभी हमने इतना तो बना लिया, ये तो 3x3 का नहीं है, 1, 2, 3, 4 है। अभी और लंबा करना है इसको, 4, 5 एक इधर से भी और एक इधर से भी हम लोग करेंगे। तो इधर से भी हो गया है हमारा पूरा। तो हमारी विड्थ नहीं लेंथ जो भी बोल लो, इधर से एक और लगाएंगे हम, एक और बार बढ़ा लें। उसके बाद हमने थोड़ा इधर भी, अरे क्या हो रहा भाई, इसको यहाँ लगा लें। और भाई लोग अब इसको हो गया, और भाई उधर से कैसे लगाएंगे अब? चलो इधर भी चल लेते हैं अब। ए हो गया, चलो यहाँ पे खड़ा हो जाना अपन को। और भाई ले ले, हो गया भाई, अब पूरे में इतना ही फैला देना है। चलो भाई देख लो तुम लोग गाना सुन सुन के। एक दो नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलो दो ब्लॉक और बढ़ा देते हैं इधर से, और इधर से बढ़ा देते हैं दो ब्लॉक।
मैं लोग क्या मैं क्या सोच रहा हूँ कि इतने छोटे से एरिया में लोग नहीं रह पाएंगे, तो मुझे इनके लिए थोड़ा और बड़ा एक्सटेंड करना कर देना चाहिए। तो अब मेरे काउंट से बाहर है कि कितने काउंट का बनाया मैंने इसको अभी, तो अभी दो ब्लॉक और एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद हम लोग पूरे में कवर कर देंगे वुडन के ब्लॉक से और फिर देखते हैं क्या करना है इसमें। देखो भैया, इस स्मार्टी पाई ने तो बनाए थी पायरेट शिप जिसपे वो उसने अपना एक घर बना लिया था, लेकिन हम लोग वो सब नहीं बनाने वाले, इतने हम प्रो बिल्डर नहीं है भाई लोग, हम लोग छोटे मोटे ओ भाई लोग ये क्या हो रहा है, दो दो एक की जगह कोने में गिर जाएंगे ना तो भाई इन लोगों की तो बैंड बज जाएगी, गिरेंगी नहीं क्योंकि बैठे हुए हैं अभी तो वो लोग, उनको जब तक हम लोग खड़ा नहीं कर सकते तब तक वो लोग वहां से जाएंगे नहीं। तो अभी इस पूरे एरिया को हमको कवर करना लोग। मैं जब बना रहा हूँ ये, मेरे को एक आइडिया मतलब एक थॉट आया कि हम लोगों के पास इनफिनाइट वाटर तो है नहीं और ये सब हम क्या कर रहे हैं इनफिनाइट वाटर नहीं है लेकिन हम लोग पूल बनाने की सोच रहे थे, तो अभी जितना ये सब हो जाए उतना बना लेते हैं मतलब उसके बाद देखी जाएगी कितना हमको पानी चाहिए। जब हमारे पास इन्फिनाइट वाटर सोर्स आ जाएगा तब हम देख लेंगे, दो एक और वाटर बकेट मिल जाए तो भाई हमारे पास आ जाएगा इन्फिनाइट वाटर सोर्स। हमारा पूल तो तैयार हो गया, बस उधर से स्लैब लगाना बाकी है और हमें वाटर चाहिए भाई लोग, तो बस इधर की है कुछ है क्या काम का, नहीं यार ये जंगली तो नहीं है ना, ये शायद जंगली है पता नहीं, तो इसको भी हम लोग बिल्ड कर लेते हैं ओक स्लैब्स। ये जंगली है यार ये तो, अभी अच्छा ये अंदर नहीं गया, अंदर चला जाता तो मैं मार देता यार उसको। पीस आउट। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now, I won't ever let my thoughts get away now, I got better things to do, picking fate now, I just wanna be the best, call me great now, I don't know if I'm okay or insane now, I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm facing down, I fight, even when I don't know what is right, I'ma pick a side, and I'ma take pride, I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. Toh bhai, ab... हमने क्या करना है मेरे को नहीं पता, अब हमको बैठ के माइनिंग करनी है और हमें पानी बताएं एक मिनट यहाँ डाल देंगे और अपना नॉर्मल प्रोसेस करते रहेंगे। उसके बाद टर्टल कहाँ गया यार, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सफल रहिए, चलिए उधर चलिए जा। अरे जाने का तेरे को यार, इसके साथ मैं कुछ इसको मार आड़ दूंगा, ऐसी बिहेव करेगा तो मैं मार आड़ दूंगा यार इसको, जा उधर जा, चल भाई चल चल चल, ओके तो हमारा टर्टल तो यहाँ पे आ गया है, अब हमको कोई डरने की कोई बात तो नहीं है कि हमारे टर्टल को कोई मार दे आके, तो वाला टेंशन अभी नहीं लेना अपने को, और अपने को बेफिक्र होके ब्लॉक्स माइन करने हैं अब। अब क्या हुआ,
आप लोग सोच रहे हो? पता चल गया क्या हुआ? हमारा वाटर चला गया यार। अभी तक हमको एक ही वाटर मिला था, और आज ही हम लोग कह रहे थे काश हमारे पास इनफिनाइट वाटर सोर्स होता। भाई यार क्या हो रहा है ये, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब पता नहीं हमको आगे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अपने सूत्रों से पता करा है कि ओशियन वाले जिस प्लेस में हम हैं उनमें तो हमको भर भर के मिलता है, जो कि अच्छा मिल जाए यार तो अच्छा। ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं, हो वेड स्पंज है तो मुझे यहाँ पे क्या रहा? ये क्या है जो ऐसा हो गया? ओ जो भी था नीचे कर गया, कोई नहीं। हाँ डेड हॉर्न कॉरल, ओके। तो एक मिनट, इसमें क्या है? मेलन स्लाइसेस पड़ी हैं, हमारा खाना गर्मा देते हैं, रॉ मटन पड़ा है, पता नहीं कहाँ से आया, जहाँ से भी आया अच्छा ही हुआ। यहाँ पे आयरन पड़ा हुआ था, स्टिक डाल दो भाई, कोल लेने कौन जाए अब इतनी दूर। सो चीप हम लोग। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को माइन करते हैं और देखते हैं क्या हमारे सूत्रों की बात सही है। अगर सही होगी तो अच्छा है, सही नहीं होगी तो देखेंगे बाद में क्या पता चलता है। अभी तो आयरन की बकेट भी चाहिए हमको। ओ सॉरी बकेट बोल रहा हूँ, अपने को आयरन की। अरे यार हमारी आयरन की पिकैक्स कहाँ गई? ये हमारी आयरन की पिकैक्स। अरे चल चढ़ जा। हाँ अभी ये क्या है? चलो ले लेते हैं अब सामान, और इधर से खोद भी देते हैं सर, बाहर निकलेगा रास्ता मिल जाए हमें, और खाना भी खा ले भाई। और हमारा इधर फार्म, ओ भाई लोग हमारा यहाँ फार्म ख़त्म। जब तक जीवित हमारा फार्म तब तक ठीक है, वरना इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा पानी भी चला गया। जल्दी सबको चेस्ट मिल जाए। ये क्या है? अच्छा ये कैल्प वाले ब्लॉक है। अब हमें जल्दी से मिल जाए कोई चेस्ट, तो भाई हो सकता है कि उसमें चांसेस हैं कि हमें चेस्ट में। भाई यहाँ पानी होता ना ये बच गया होता, अभी चांसेस है कि चेस्ट में हमें मिल जाए वाटर बकेट। तो भाई और ताऊ ये हमें मार क्यों नहीं रहा? अरे भाई मैं तो छूट दे रहा हूँ, मार मेरे को। इस वर्ल्ड के बिना क्रीचर्स भी अजीब हैं, इस मार ही नहीं रहा हमें। चलो बढ़िया है भाई, आसानी से इसको मार लिया हम लोगों ने। और अभी तो भाई माइनिंग करनी है हमको अच्छी खासी। मैं क्या यार, भाई ने तो बोला था कि चेस्ट में मिलता है वाटर बकेट भर भर के, लेकिन तो कुछ नहीं मिला। चलो यहाँ डाल दें सारा सामान। ओके ओके सारा 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 जितने भी चेस्ट हैं सब भर देते हैं अब तो भाई। तबाही मचानी है बस, तबाही इन द सेंस कि अब हमको चाहिए वाटर बकेट। अब भाई जा, अगर हमको वाटर बकेट नहीं मिली ना तो तुम लोग बताओ यार कमेंट में कि क्या करेंगे अगर हमको वाटर बकेट नहीं मिली तो। वेस्टेड। ट्रॉपिकल फिश थी भाई, यार ट्रॉपिकल फिश भी मारी गई। अगर हमारे पास पानी होता तो वो लोग आज जीवित होते यार।
कैसे मिलेगा पानी अब यार? थ्री टू वन यार उसमें भी नहीं मिली वाटर बकेट। हार्ट ऑफ द सी प्रिंस मरीन शेड। भाई यार इस बार भी हमको वाटर बकेट नहीं मिली। वाटर ना मिले, बकेट ना मिले तो वाटर ही मिल जाए किसी तरह। लेकिन भाई लोग अब पता नहीं क्या होएगा इस गेम में। तो भाई लोग आज तो हम लोग येला फेस अगर ख़त्म हो जाता है जल्दी आधे घंटे में या फिर जल्दी, अबे यार मारने मत जाइए उसको। ख़त्म हो जाता है फेस तो ठीक है, वरना देखते हैं कब तक चलेगा येला फेस और देखते हैं कब तक मिलती है हमको वाटर बकेट। ये क्या है? पफर फिश। और ये सुपर चेस्ट। भाई सुपर चेस्ट के नाम पे क्या दे रहे हैं लोग? गोबर दे रहे हैं सुपर चेस्ट के नाम पे। हमको चाहिए वाटर बकेट और ये सब पता नहीं क्या दे रहे हैं फालतू की चीजें। ओ भाई लोग व्हाट इज दिस हैपनिंग? भाई खुद ही नीचे गिर गया वो तो। लेकिन भाई लोग ये क्या? डायमंड्स। होली शिट भाई लोग डायमंड्स। भाई लोग वाटर बकेट चली गई लेकिन हमको डायमंड्स मिल गए। प्रिटी ऑसम यार, प्रिटी ऑसम। चलो भाई डायमंड्स ही ले लेते हैं अब। एक दो, खाली दो ही डायमंड्स। चलो ठीक है। ओ भाई लोग व्हाट इज दिस क्रैप? चिंता मत करो ये खुद ही मर जाएगा आ जाके। नहीं मरेगा क्या? जा तू मार जाके इसको यार। ये खुद नहीं जा रहा नीचे, लगता है मेरे को नीचे ढकेल के रहेगा। चलो गया तो नीचे कम से कम। कौन सा उसने पोशन दे दिया हमको? माइनिंग फटीग हमेशा यही मिलता है, मतलब मुझे नहीं मिलता लेकिन वैसे मैंने सुना है सबको उससे माइनिंग फटीग मिल जाता है जब ये कुत्ता आ जाता है यहाँ पे। तो अभी मुझे लगता है मुझे इसको बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि भाई लोग सब बाहर निकल रहे हैं और मैं कोने से खोदूँगा क्या? इधर से खोदता हूँ मैं। चलो भाई बैठ जा। लेकिन अभी तुमको माइनिंग फटीग लग गया भाई साहब, इसको हटने में तो 4 मिनट लगेंगे। भाई लोग कोई बात नहीं, अभी हमको जो माइनिंग फटीग मिला है हम इसको दूध पी के ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इस वीडियो में बहुत सारे सपने सजाए लेकिन भाई लोग हमारे सपनों पे पानी फिर गया। वो कैसे? अरे कैमरा हट जा। हमारा वाटर बकेट चला गया उसकी वजह से। तो हमें अब वाटर बकेट की फिक्र है कि अब वाटर बकेट हम कैसे ले आए वापस। कल तो हम देखेंगे, शायद हमें अगली वीडियो में इसी फेस में अगले फेस में कोई फेस में मिल जाए वाटर बकेट। तो यार आज की दास उसी वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। हमने आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी भाई लोग। तो भाई लोग प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है यार भाई। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर ही देना, शेयर कर देना। भाई आपका काम है, 3 काम है आपके, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ना वीडियो में। बाय बाय।